रिजल्ट्स की बात हो रही है कई सालों से, 20-20 साल उन लोगों ने दिए, लेकिन क्या मिला उनको? वो लोग खत्म भी हो जाएंगे, रिटायर भी हो गए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसमें पीडीडी पीएचसी फॉरेस्ट एनवाई के रहबर खेल और टूल आता है। टूल आप देखेंगे 80 रुपया पहले वहां पे नाशरी में टनल पे चलाया जाता था, हाईवे तो इन्होंने बना लिया, ये माफिया नहीं। सर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मुद्दे की बात देखिए, आपको दिया जा रहा है, मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं बहस नहीं कर रहा, मैं मुद्दे की बात छेड़ रहा हूँ और आप उस पर ध्यान दीजिए। इन्होंने टोल्स लाया 80 से बढ़ाकर 180 नाशरी का, पिछले साल 80 था, आज 180 कर दिया। उसके अलावा अगर आप देखेंगे बटोत के वहां रोड पे, वहां पर भी टोल लिया जाता है, अड्डा जिसे कहा जाता है, वहां से जब आप आएंगे डोडा के अंदर, डोडा सिटी के अंदर, ठाठरी के अंदर, किश्तवाड़ के अंदर, जहां जहां पर भी एंट्री पॉइंट है, हर रोड पे जो है माफिया बैठा है। मैं चाहता हूं इस चीज को देखा जाए, इन लोगों को रोका जाए। अगर आप रोड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों की राहत के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। उसके अलावा आपने बेरोजगारी पे बात रखी है, एक उम्मीद और है नौजवानों को, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को। मैं चाहता हूं सरकार ने जो उम्मीद दिखाई है, जल्द अज जल्द जो वेकेंट पोस्ट्स हैं उनको फिल किया जाए, और उसमें एज रिलैक्सेशन का होना बड़ा जरूरी है। सर एज रिलैक्सेशन का बड़ा होना जरूरी है, क्योंकि 10 साल पहले जो बच्चे उसके अहल थे, लेकिन नौकरियां न निकलने की वजह से उनकी एज आगे बढ़ गई, जिसका खामियाजा उन लोगों ने भुगता। और मैं चाहता हूं कि हमारे तर्ज से हमारे जैसे नौजवान हैं उन्हें मौका दिया जाना चाहिए, उनकी एज में बढ़ोतरी होनी चाहिए, चाहे कोई भी रिक्रूटमेंट आए तो उसके लिए उन लोगों को बढ़ाया जाए। उसके अलावा डेली यूजर्स की बात हंगामा करेंगे, 5 दिन तो आपने हंगामा हाउस के अंदर देखा। हम जम्मू कश्मीर की उम्मीद की बात कर रहे हैं, ख्वाब सुने या ना सुने हम तो बोलकर ही जाएंगे, क्योंकि जो पिछले कई सालों से हमने देखा है। डेली यूजर्स की बात हो रही है कई सालों से, 20-20 साल उन लोगों ने दिए, लेकिन क्या मिला उनको? वो लोग खत्म भी हो जाएंगे, रिटायर भी हो गए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसमें पीडीडी पीएचसी फॉरेस्ट एनवाई के रहबर खेल और मुझे करने दीजिए। और ये जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जुड़े हुए मसले हैं। शेख खुर्शीद साहब, मैं खत्म कर रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए, मैंने तो तभी कुछ कहा। सर मैं वही कह रहा हूँ, आप रिटर्न दीजिए, आप रिटर्न दीजिए, मैं भेजूंगा आगे बच्चे मिस्टर को, जो जो पार्टी से आपके। रिक्रूटमेंट निकलेगी, चाहे वो तहसील लेवल की हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, आप हमें कंपटीशन में स्टेट लेवल के साथ नहीं लाइए, नेशनल लेवल के साथ नहीं लाइए। मैं चाहता हूँ जो पंचायत लेवल की है, पंचायत लेवल पर लाइए। चलिए आपने स्पीकर साहब,